नमस्कार, JNV क्लास 6 एडमिशन टेस्ट 2022 अर्थात जवाहर नवोदय विद्यालय वर्ग 6 के एडमिशन टेस्ट जो 2022 में हुई उसके अंकगणित परीक्षण का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज के इस पार्ट 2 वीडियो में प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 51 यानी 51, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है और यह दिया हुआ है लंबाई बड़ी है चौड़ाई छोटी है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, अर्थात इसके फर्श का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम x मान ले रहे हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 23 मीटर का अंतर है, तो ये x+23 हो गया, ये इतना मीटर हो गया। अब ये परिमाप दिया हुआ है 206 मीटर, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ये हॉल कैसा होगा? इस तरह का होगा कि यहां पर मैं बना दे रहा हूं, इस तरह का होगा, ये आयताकार होगा। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इस तरह से हमने लंबाई लिया है x+23, ये इस तरह से x+23 और फिर प्लस चौड़ाई एक्स। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, या चलिए यहां पर, तो ये हो गया 2 गुना x+x, 2x हो गया, 2x+23 ये हमारा आ गया। लेकिन प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न में इसकी परिमाप है 206 मीटर, तो अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो हमने निकाला 2 गुना 2x+ ये 23 बराबर हो जाएगा 206 मीटर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला के अनुसार जो परिमाप है वो है 2 गुना 2x+23, और लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 206, तो ये बराबर 206 है। अब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x+23 और ये 2 इधर बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 103। इस तरह से ये 2x=103 घटाओ ये 23, अर्थात ये हो गया 80, तो x बराबर कितना हो गया? 40, ये 2 इधर बटा में आ जाएगा, तो ये x हो गया 40, यानी चौड़ाई हो गई 40। तो चौड़ाई यहाँ हमको निकल गया, ये कितना हो गया? 40, तो लंबाई कितना होगा? 40+23, तो ये हो जाएगा 63। और जो क्षेत्रफल होता है वो हम जानते हैं कितना होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो लंबाई हमारा है 63 और ये चौड़ाई 40, तो ये हो गया 4 × 3 = 12 का 2, हाथ में रहा 1, 4 × 6 = 24 और 1 = 25 और ये 1 0 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है? 2520 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा है? बी नंबर हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 52, 12 पूर्णांक 1/16 का दशमलव समतुल्य है, यानी दशमलव में इसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अभी मिश्रित भिन्न है, तो इससे पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम भिन्न में क्या हो जाएगा, ये बराबर 12 × 16 करेंगे, तो 12 × 16 कीजिए तो ये 192 आएगा, और इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 193/16, ये आ गया। 12 × 1/16 को जब हम फिर से मैं बता रहा हूँ विषम भिन्न में बदलेंगे तो ये 16 × 12 अजोड़ 1, तो ये आ जा रहा है 193/16। अब इसे हम दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 16 से 193 में भाग देंगे। तो आइए इसे भाग देते हैं, यहाँ पर 16 और ये 193, तो 16 × 16 चला गया यहाँ पर, और घटाएंगे तो ये आ गया 3, और ये उतार रहे हैं ये 3, 33 हो गया। अब दो बार में जाएगा, 16 × 32 और ये आ गया 1। अब यहाँ उतारने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक दशमलव दे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0, लेकिन अभी भी नहीं जाएगा, जाएगा कितने बार में जाएगा, 0 बार में, तो ये हो गया 0। देखिए भाग के क्रम में यहीं पर गलती होती है ना, तो ये आ गया यहाँ पर 10। तो अब देख रहे हैं, अब चूंकि पहले हमने दशमलव बैठा दिया है तो 10 ऐसे ही बैठा देंगे, तो ये 16 × 96, ये आ गया 4। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई है 0.06 वाला, देखिए 12.06 सिर्फ इसी में है, तो हमारा सी नंबर आंसर होगा। इसके आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर से हमें पता चल गया 0.06 और किसी में नहीं है, तो यही हमारा सी नंबर आंसर हो गया। आगे हम और करेंगे तो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपया 1800 रुपया हो जाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया था तो थोड़ा कम दिख रहा है, ये वर्षों में है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, 8 वर्ष वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में ₹1500 ₹1800 हो जाएंगे। तो यहाँ पर समय निकालना है ना, तो हमें पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, दर, तो दर दिया हुआ है कितना 8%, उसके बाद है मूलधन, तो मूलधन है यहाँ 1500 रुपया, और जो ब्याज है वो कितना है 1500 1800 हो जा रहा है, अर्थात ब्याज कितना इसमें है 300 रुपया, और हमें निकालना क्या है समय, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर ब्याज गुना 100 / मूलधन गुने दर, तो ये हो जाएगा ब्याज कितना, ब्याज है 300 × 100 और मूलधन है 1500 × 8, तो ये काटेंगे, ये 2 शून्य कट गया इस 2 शून्य से, अब ये 15 से हम इसे काट देंगे 300 को, तो ये 20 बार में कटेगा, देखिए आप ये कटा 20 बार में, तो ये आ जा रहा है हमारा यहाँ पर 20/8, तो 4 से काटेंगे तो ये 5/4, अर्थात 1 पूर्णांक 4 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा है ना, ये 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा
दो, 5/2। तो ये दो, 2 से 5 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/2। ये क्या है? वर्ष, ये समय है। तो हमारा कौन सा हो रहा है आंसर? सी नंबर हो रहा है, 2 पूर्णांक 1/2 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 54। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोत्तरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है। 4% कमी, 4% बढ़ोत्तरी, 10% कमी, 10% बढ़ोत्तरी। तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे। मान लेंगे कि साइकिल की पहले की कीमत है कितना? 100 रुपया, ठीक है। तो 100 साइकिल का कीमत कितना हो जाएगा? 100 गुना 100 बराबर 1/400, इतना रुपया। ये क्या है? 100 साइकिल का मूल्य है। अब क्या हो रहा है कि इसकी, अब जब क्या हो रहा है, कीमत में 20% घटोत्तरी हो रही है, घट जा रही है। तो पहले साइकिल का कीमत था कितना? 100 रुपया, अब हो जा रहा है कितना? 80 रुपया। और मांग में 20% की बढ़ोतरी हो जा रही है। तो पहले 100 साइकिल बिक रहा था, अब 120 साइकिल बिक रहा है। तो 120 साइकिल का कीमत अब हो जाएगा ये 9, 6 और 2 0, यानी 9,600। तो पहले उस दुकान का बिक्री था इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। पहले उस दुकान की बिक्री थी 10,000 रुपये की, अब हो गई है 9,600 रुपये की, यानी कमी हो रही है। तो कितने की कमी हो रही है? मैं इसे रफ की तरह बना रहा हूं, देखिए मैं इसे डिटेल लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। तो ये 400 रुपये, 400 रुपये की उसकी जो बिक्री है 100 साइकिल में, अभी जो घट रहा है इसका कीमत घट रहा है और खरीदारी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इसे 400 रुपये का कमी हो जा रहा है। तो कितने में 400 रुपये का हो जा रहा है? तो अब हम अब 100 में निकालेंगे, तो ये 400/, ये हो गया ये 100 रुपये में कितना हो जा रहा है? ये 10,000 रुपये में इसका 400 रुपये का घटोत्तरी हो जा रहा है। तो 100 रुपये में कितने की घटोत्तरी हो जाएगी? ये कमी हो रही है, ये क्या हो रही है? माइनस हो रहा है ना, घटा रहे हैं तो कमी हो रही है। यहाँ पर देखिए कम गया है, तो अभी ये शून्य काट दिए और ये शून्य काट दिए, तो कमी कितनी की हो गई? 4% की कमी हो गई। इसे एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं। मान लेते हैं कि पहले एक साइकिल का मूल्य 100 रुपये था, तो 100 साइकिलों का मूल्य यहाँ पर हो गया 10,000 रुपया। अब क्या हो रहा है कि उसकी मांग, उसकी कीमत 20% घट जा रही है, यानी 80 रुपया हो जा रहा है, और मांग बढ़ जा रही है। तो मांग बढ़ गई, पहले 100 साइकिल का था तो अब 120 हो गया। तो इस तरह से उसका कुल जो बिक्री का जो कीमत हो गया, तो वो हो गया 9,600 रुपया। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें हम देख रहे हैं 400 रुपया घट जा रहा है ना। तो 400 रुपया कितने में घट गया? 10,000 में। तो 100 रुपये में कितने का घटा हो जाएगा? 4% का। तो ये हमारा 4% कमी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 55। तो इसे मैं यहां नीचे में हल कर रहा हूं, देखिए यहां तीन तरह की क्रियाएं हमें नजर आ रही हैं, चार तरह की। एक ब्रैकेट है, एक भाग है, एक प्लस है और एक गुना है। तो हम लोग बोडमास रूल से, फिर से मैं यहाँ दोहरा हूँ, बोडमास ये रूल है। तो इस रूल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये एडिशन है और ये ब्रैकेट है। ये ऑफ है, ऑफ यहां पर नहीं है। तो इसमें सबसे क्रम जो चलेगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं।
ये 20/5, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ ब्रैकेट है। तो पहले ये क्रिया हम पहले कर लेंगे, तो 20/5 तो ये हो गया 4, और इसके बाद ये भाग 2 है, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। अब ये ब्रैकेट तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 जोड़, अब ये इस ब्रैकेट में आएंगे तो ये 2 × और ये ब्रैकेट में 3 जोड़ 2 5। अब ये भाग की क्रिया करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, ये जोड़ अभी नहीं करेंगे, ये गुना करेंगे तो ये 4 और ये 10। तो इस तरह से हमारा ये हो गया 16, सी नंबर हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 56, ये 600 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो यहां गौर से देखिए, यहां 2 भाग में है प्रश्न। तो पहले भाग में हमारे पास क्या-क्या है? तो पहले भाग में ये 600 रुपया, ये क्या है? मूलधन है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मूलधन। तो ये है पी यानी प्रिंसिपल मूलधन, ये 600 रुपया है। अब क्या है? ये समय है यानी टी, ये है 4 वर्ष। उसके बाद ये मूलधन और ये मिश्र धन है, तो हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल जा रहा है 120 रुपया, है ना। ये मिश्र धन से हम मूलधन घटा दे रहे हैं तो 120 रुपया आ रहा है। अब यहाँ पर क्या नहीं है? वो है आर। तो पहले हम आर निकालते हैं। तो आर यानी दर, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 × 100 / मूलधन और गुना समय। तो ये है 120 रुपया × 100 और मूलधन है 600 रुपये और समय 4। तो ये शून्य और ये शून्य हमने काट दिया, तो ये 6 से 120 काट रहे हैं, तो ये 20 बार में गया, और 4 से 20 काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। तो ये हमारा दर आ गया 5%। अब अगला भाग पढ़ते हैं। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो अब यहां हमें पहले ब्याज निकालना होगा और फिर मिश्र धन निकल जाएगा। तो इसे मैं यहां नीचे में हल कर रहा हूं, या ऊपर में, देखिए ऊपर में मैं हल कर रहा हूं, यहां पर जगह है। प्रश्न पत्र में आपको रफ के लिए अलग से, इसी प्रश्न पत्र में एक पेज रफ के लिए अलग से रहेगा, लेकिन मैं यहीं पर कर रहा हूं। तो अब क्या है, दूसरे भाग के लिए हमारे पास आर मिल गया। आर कितना? 5 है, 2 बढ़ा दे रहे हैं तो ये 7%, और मूलधन तो दिया ही हुआ है 600 रुपया, और टाइम भी है 4 वर्ष। तो अभी हम निकालेंगे एस आई और उसके बाद मिश्र धन। तो ये एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी बाई 100। तो यहां पर पी कितना है? 6, यहां पर लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इधर इधर जगह की कमी हो रही है, मैं इसे मिटा के फिर से लिख रहा हूं। ये
PRT/100। तो ये हो जाएगा 600 गुना 7 गुना 4 बटा 100। तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, तो ये हो गया 6 गुना 7 गुना 4। तो इसे आप करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, गुना कीजिए, खुद से गुना कीजिए। आपने कर लिया गुना, चलिए हमने भी कर लिया, ये आ गया 168। तो ये तो ऐसा ही निकला, हमें निकालना था राशि यानी मिश्रधन। तो ये 600 में ये 168 जोड़ दीजिए, 600 जोड़ 168, तो ये हो जाएगा 768 रुपया। तो कौन सा है, देखिए बी नंबर है 768। अब प्रश्न संख्या 57। एक तार 2.3/4 मीटर लंबा है, वह दो भागों में टूट जाता है, तो और उसके बाद है एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई निकालिए। तो तार के बड़े भाग की लंबाई हम मान ले रहे हैं x, तो छोटा भाग कितना होगा, x घटाओ 5/8, और इन दोनों को इन ये बड़ा बड़ा भाग और छोटा भाग जब जोड़ दे रहे हैं तो पूरा भाग मिलना चाहिए, तो पूरा भाग है 2.3/4। ये मिश्रित भिन्न में है, इसे विषम भिन्न में बदलते हैं, तो 4 2 8 और 3 11/4, तो ये हो गया 11/4। तो अब इसे हल करेंगे तो हमारा जो बड़ा भाग निकालना है वो आ जाएगा। तो यहां पर हम x प्लस x जोड़ेंगे तो ये 2x आ जाएगा, -5/8 बराबर 11/4, यहां पर अब कर रहे हैं तो ये 2x बराबर ये हो जाएगा 11/4, और ये -8/5/8 है वो बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 5/8। तो आप यहां जोड़िए इसे, 4 और 8 का एलसीएम या लॉस लघुत्तम समापवर्त्य ये हो जाएगा 8, तो यहां पर 4 दूनी और 2 1 गुना 11, तो ये 22 हो गया और जोड़ 5 यानी ये हो गया 27/8। तो इधर 2x इक्वल टू है ना, तो x इक्वल टू अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 27/8, और ये जो यहां पर 2 था ये बटा में आ जाएगा 2 यानी 27/16। तो अब इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये 1.11/16 मीटर, ये कौन सा है हमारा ए नंबर आंसर है, 1.11/16। अब प्रश्न संख्या 58। एक शीशे का घन, ये शीशा अर्थात लिड होता है, तो शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला घन है पहले से है उसका हमें आयतन निकालना होगा, तो जो बड़ा घन है जो ओरिजिनल है या बड़ा है जो पहले से है, तो बड़ा घन तो बड़ा घन का जो आयतन होगा तो वो क्या होगा, वो आयतन का फॉर्मूला क्या है, घन का आयतन का भुजा का क्यूब,
तो ये भुजा कितना है हमारी, 6 है, तो 6 का क्यूब अर्थात ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़े घन का आयतन है। अब इसी को पिघलाकर 27 घन बनाया जा रहा है, तो हर एक छोटे घन का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 27 बटा नहीं सॉरी 216 बटा 27। ये बड़ा घन को ही तो पिघलाकर बन रहा है 27 घन, तो हर एक छोटे घन का आयतन होगा 216 बटे 27। तो इसे अगर हम काटेंगे तो 9 तियाई 27 और 9 दुनी 18 और 9 चौके 36, 24 बटा 3 यानी 8, 8 है एक छोटे घन का आयतन है। तो मान लीजिए अगर छोटे घन की भुजा एक्स है तो इसका घन क्या होगा, एक्स क्यूब, और ये कितना है 8, अर्थात एक्स बराबर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब रूट निकाल ले रहे हैं, है ना, तो ये 8 का भी क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल यानी घनमूल। अगर आपने घनमूल के बारे में नहीं पढ़ा है तो देखिए, चूंकि ये प्रश्न आया है तो इस घनमूल के बारे में, घन और घनमूल के बारे में भी आप पढ़ लें। तो ये हो जाएगा, ये घन और घनमूल ये कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है एक्स, और 8 का घनमूल होगा 2। तो हमारा जो छोटा घन है उसकी भुजा होगी 2 सेंटीमीटर। अब प्रश्न संख्या 59 यह है, 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। तो आइए यहां पर हम निकालते हैं 2100 का अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले किससे इसमें भाग देंगे, हम बिल्कुल सबसे छोटी संख्या जो लेते हैं जिससे हम शुरू करते हैं ये अभाज्य गुणनखंड निकालना, वो 2 है, तो 2 से करेंगे, 2 एका 2। अब इस एक में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां शून्य करेंगे। देखिए यहीं पर गलती होती है प्रायः, है ना, तो अब ये 10 में देंगे तो 2 पचे 10 और ये शून्य हो गया। फिर 2 से देंगे तो 2 पचे 10, 2 दुनी 4, 10 हो गया, 2 पचे 10। अब देखिए अभी 3 से अब इसमें भाग जाएगा, 3 से अभी हम भाग देंगे। क्यों 3 से देंगे, क्योंकि देख लीजिए 5 और 2 7 और 5 12, 12 में 3 से लग जाता है, यानी 3 से अब इसमें भाग लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा। तो 3 से देते हैं, 3 एका 3, 2 यहां बचा, 22 हो गया, 3 सते 21, अब 1 बचा तो ये 15 हो गया, 3 पचे 15। अब इसमें 3 से नहीं होगा, अब इसमें 5 से होगा, तो 5 तियाई 15, 2 बच गया 25, 5 पचे 25, अब फिर 5 से देंगे तो 5 सते 35। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो देखिए तो ये कौन सा है, ये वाला है सी नंबर, देख लीजिए आप फिर से, 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7, ये है। अब प्रश्न संख्या 60, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, यानी जो छोटी छोटी टाइल हैं ये 7500 टाइल लग रही है पूरे फर्श पर, तो कमरे की चौड़ाई क्या है। तो सबसे पहले हम कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल क्या होगा, ये छोटा जो टाइल है ये टाइल का क्षेत्रफल है,
15 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर, इसको 75 से गुना कर देंगे तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 7,500 गुने 15, ये सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर है ना। लेकिन ये हमारा लंबाई मीटर में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे रहे हैं और इसको भी हम मीटर में बदल दे रहे हैं। अगर 100 से भाग दे दिए सेंटीमीटर को तो ये मीटर में बदल गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कैंसिल हो गया। 25 से काटेंगे, 25 तियाई 75, और ये 25 से 25 चौके 100, और ये 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में हो गया, 4 तियाई 12। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 3 से 15, 15 तिये 45 और तिया 135 मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना था चौड़ाई, तो हमें चौड़ाई निकालना था। तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बटा लंबाई, लंबाई है 15। फिर से बता रहा हूँ, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, और 15 से 135 काटेंगे काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 मीटर। ये हमारा ए नंबर हमारा उत्तर हुआ। इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर हमने इस परीक्षा में जो 20 गणितीय अंकगणितीय परीक्षण के प्रश्न थे उसे मैंने हल कर दिया है। धन्यवाद।